हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पैटर्न मेकिंग और फैशन डिजाइनिंग के माध्यम से आपको एक लेडीज टॉप के बारे में बताने जा रहा हूं कि लेडीज टॉप का पैटर्न कैसे बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम एक लंबी लाइन जो कि हमारी लेंथ वाइज है, लेंथ में लगाते हैं। उसको लगाने के बाद में फिर हम यहाँ से एक 90 डिग्री की एक लाइन लगा करके, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, उसी प्रकार से फिर हम उसके बाद में HPS से और अक्रॉस फ्रंट की लाइन पर आते हैं। अक्रॉस फ्रंट के बाद में फिर हम दूसरी लाइन डालते हैं जो कि हमारी आर्म होल डेप्थ लाइन कहलाती है। तीसरी लाइन जो है हमारी वो बस्ट लाइन कहलाती है। चौथी लाइन जो है वो हमारी एम्पायर सीम कहलाती है। पांचवी लाइन जो है हमारी वो बेस्ट लाइन होती है। और लास्ट में हमारी बॉटम लाइन आती है। अब इसके बाद में हम आपको बताते हैं कि ये हमारा सेंटर फ्रंट है जहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है, और यही हमारा एक सेंटर बैक फोल्ड लाइन है, और ये हमारी फ्रंट फोल्ड लाइन है। इतना सब कुछ करने के बाद में फिर हमने एक ये नेक ड्रॉप लिया जो कि हमने राउंड नेक जितना हमको चाहिए वो लेकर के, और हमने एक राउंड सर्कल हमने बना लिया। उसके बाद में फिर हमने ये आर्म होल की लाइन को जो है, ये फ्रंट आर्म होल की लाइन को हमने यहाँ पर दर्शाया। उसके बाद हमने ये बैक की आर्म होल लाइन को हमने यहाँ पर दर्शाया। दर्शाने के बाद में फिर वही जितनी हमको चेस्ट चाहिए, चेस्ट का मेजरमेंट रखने के बाद में जो हमारी बेस्ट लाइन है, हमें जितनी बेस्ट चाहिए बेस्ट का मेजरमेंट करने के बाद में फिर उसी प्रकार से जितना हमको बॉटम चाहिए बॉटम की लाइन लेने के बाद में फिर हमने स्मूथली यहाँ से ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी जो कि हमारी फ्रंट और बैक दोनों की लाइन को दर्शाती है। फिर उसके बाद में हमको इसमें बटनिंग के मार्क करने हैं जो हमें बटन्स लगाने हैं। हमारा सबसे टॉप का बटन जो होगा वो बैंड के ऊपर, स्टैंड के ऊपर, कॉलर स्टैंड या कॉलर स्टैंड के ऊपर होगा। उसके बाद में सेकंड बटन हमारा ये आ जाता है, थर्ड ये आ जाता है, फोर्थ ये आ जाता है, फिफ्थ ये हो जाता है, सिक्स्थ ये हो जाता है, सेवन्थ लाइन हमारे ये बटन की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। इस तरीके से अब आपको कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होगी और आप एक फ्रंट और बैक का बेसिक ब्लॉक आराम से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में हम आते हैं आपको एक बाजू का, आइए हम आपको बाजू का स्लीव का पैटर्न बनाना बताते हैं। सबसे पहले हम एक स्लीव लेंथ लेते हैं, ये विदाउट कफ के है, कफ हमारा एक्स्ट्रा अलग से होता है। फिर हम इसकी एक आर्म बेड लाइन जिसको हम कैप हाइट भी बोलते हैं, उसके बाद हम एक एल्बो लाइन लगाते हैं। एल्बो लाइन क्या होता है कि जो हमारी अंडर आर्म सीम जो होती है उसका हाफ करने के बाद में हम एक मार्क कर देते हैं, वो हमारी एल्बो लाइन कहलाती है। इसके बाद में हमारा आर्म होल जितना हमें चाहिए, हमने इसको इस फ्रंट की लाइन को हमने ये मेजर किया, बैक की लाइन को हमने ये मेजर किया। मेजर करने के बाद में फिर हम सेम वही, हमें यहाँ जो निर्धारित हमारा एक स्पेक्स है, हम साइज 8 में बना रहे हैं, तो साइज 8 के अंदर हमें यहाँ से कम 17 सेंटीमीटर हमको इसका विड्थ चाहिए। उसके बाद हम यहाँ से ये कैप हाइट जो है, ये हम लगभग आपको बता रहे हैं कि ये कैप हाइट हमने 14 सेंटीमीटर ली है। 14 सेंटीमीटर लेने के बाद में हमने इसको यहाँ पर ये 17 सेंटीमीटर लिया है। अब जब हम इसको ये ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो स्पेक्स यहाँ यहाँ का है सेम वही स्पेक्स यहाँ पर आएगा। ये प्लस
हाफ सेंटीमीटर जो है ये प्लस होगा, जिसको हम चार जगह डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद में ये हम नोच मेंशन करते हैं, यही नोच हमारे वहाँ पर होते हैं जिनको हम मैच करके और सीम के लिए जो है देते हैं, जिससे कि जो भी ऑपरेटर इसको ऑपरेट करेगा वो इस नोच को, बैक के नोच को और फ्रंट के नोच को आपस में जब मिला देगा तो उसको कहीं किसी प्रकार बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से हमने ये एक स्लीप के अंदर यहाँ पर एक प्लीट दिखाई है, ये प्लीट दिखाई है, ये प्लीट डलेगी। इसी तरह से ये हमने यहाँ पर एक ये आपको स्लीप का जो है स्लीप प्लेकेट बताया है, ये रेडी मार्क है, ये हमारा कॉलर स्टैंड है जो कि रेडी है। ये नोच आप देख रहे हैं, ये नोच हमारा जो हमारे शोल्डर सीम है उससे मैच करता है आकर के, और ये जो नोच आप देख रहे हैं ये नोच हमारा जो हमारी फ्रंट प्लेकेट है, फ्रंट प्लेकेट की सीम जो भी हमने इसमें लगभग 2.5 सेंटीमीटर का हमने वाइड रखा है, ये हमारा उससे मैच करेगा, ये हमारा एज पे मैच करेगा करके। इस तरह से ये हमारा जो है एक बटन होलिंग का मार्क है, और यहाँ से ये जो है हमारा फोल्ड है, ये कॉलर स्टैंड जो है हमारा फोल्ड है, इसको फोल्ड करके बनाएंगे और आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये हमने यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है, ये हमारा बेसिक स्लीप ब्लॉक साइज 8 का है। इसी तरीके से हमारा फ्रंट बेसिक ब्लॉक साइज 8 में है ये। अब आप अगर इसको बना करके 8 साइज की डमी पर डालेंगे तो आपका ये बिल्कुल फिट बैठेगा। जैसे कि चेस्ट हमने इसकी ली है, ये 47 सेंटीमीटर लिया है हमने, और जो हमारा वेस्ट है, वेस्ट हमने इसका जो लिया है ये हमने 44 सेंटीमीटर लिया है। बॉटम जो है ये हमने इसका 49 सेंटीमीटर लिया है। तो ये हमारे जो मेजरमेंट्स हैं ये हमारे बिल्कुल परफेक्ट डमी के अनुसार हैं, और यहाँ से ये हमारा शोल्डर पॉइंट है, जो कि शोल्डर पॉइंट ये हमने 38 सेंटीमीटर लिया है। नेक बेड्थ इसका हमने 8 सेंटीमीटर लिया है, 8 का मतलब इसको हम 8 × 2 = 16 सेंटीमीटर हो जाता है जा करके। इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा पैटर्न रेडी हो जाता है। अगला पैटर्न आप हमारा जो है मेंस शर्ट के रूप में देखेंगे। मेंस शर्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसको आप देखिए और इसी तरह से आप अपने पैटर्न्स को जो है बनाइए, आपके पैटर्न्स के अंदर इम्प्रूवमेंट होगा। कहीं पर भी जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो इन सब चीज़ों को, इन इस थ्योरी को अगर आप याद रखेंगे तो आपको कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी, आप इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। नमस्कार।